हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गांव में धरने पर पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। वो कन्नौज जाना चाह रहे थे, वहां पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक लिया गया। किसानों के समर्थन में कन्नौज जाना चाहते थे अखिलेश, लेकिन उनको रोक लिया गया, जिसके बाद वो वही धरने पर बैठ गए। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं एक बार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही इंतजाम हालांकि किए गए थे ताकि अखिलेश यादव को जाने से रोका जाए, लेकिन इस बीच पुलिस की बस भी वहां पर पहुंच गई है। लग रहा है कि अगर नेता नहीं माने, वापस नहीं हुए, तो उनको शायद हिरासत में भी लिया जा सकता है। रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? तस्वीरों में पुलिस की वैन भी देख रहे हैं और चारों ओर से घेरा भी देख रहे हैं, क्या कुछ मतलब इसके निकाले? देखिए, अखिलेश अड़े हुए हैं कन्नौज जाने के लिए और इसी वजह से अपने घर के पास के चौराहे पर बैठे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पुलिस की वैन लगाई गई है और इसी वैन के ठीक सामने अखिलेश यादव जमीन पर बैठे हैं। पुलिस उन्हें अब उठाने की कोशिश कर रही है, बस में बिठाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोविड की वजह से 144 लगी हुई है और यहाँ पर बड़ा हंगामा। अखिलेश यादव को देख सकते हैं, लाल टोपी लगाए हुए बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं और इस बस में सवार होने जा रहे हैं अखिलेश यादव। यानी कि पुलिस ने हिरासत में लिया है 144 के उल्लंघन में, और इस वजह से अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर के अब यहां से हटाया जाएगा इस चौराहे पर जहां वो धरने पर बैठे थे। ये बताऊं, विक्रमादित्य मार्ग का चौराहा है जो अखिलेश यादव का घर और पार्टी दफ्तर दोनों जाने के लिए सड़क आती है, और इसी चौराहे पर अखिलेश यादव करीब 20 से 25 मिनट बैठे रहे और अब पुलिस ने 144 को उल्लंघन में लिया है उनको हिरासत में। और ये बिल्कुल सामने ये जो वैन है इसमें बिठाकर अखिलेश यादव को यहाँ विक्रमादित्य मार्ग से हटा करके हो सकता है थाने ले जाएं या हो सकता है किसी अन्य जगह ले जाएं, लेकिन फिलहाल जी रणवीर बड़ी खबर दे रहे हैं आप इस वक्त की। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। कन्नौज जाने के लिए निकले थे अखिलेश यादव, लेकिन उनको रोका गया। जब वो नहीं माने, समझाने बुझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरह से रणवीर हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया है। रणवीर, बड़ी खबर है इस वक्त की, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव को आप देखिए कि पुलिस की वैन में बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, और उन्होंने अभी सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप मढ़ा और यहां पर उनको अब 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया। लंबे समय के बाद इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली हैं, जब अखिलेश यादव वो अब आए हैं। और ये देखिए, बचा के तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, अखिलेश यादव बस में आगे की सीट पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आंदोलन लगातार समाजवादी पार्टी का चलता रहेगा। वो आंदोलन इसलिए चलेगा कि देश का किसान नाराज है, देश का किसान चाहता है ये कानून वापस हो। ये ऐसे कानून हैं जिनसे किसान लुट जाएगा, किसान की खेती बर्बाद हो जाएगी। अगर ये देश का किसान चाहता है कि कानून वापस हो, तो इस सरकार जिद क्यों कर रही है कानून ना वापस करने के लिए? अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने हम आपको दिखा रहे आरोप लगाया सरकार पर जी कि ये जो बिल है ये किसान विरोधी बिल है और इस बिल के खिलाफ जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय के बाद हंगामे की ये तस्वीर आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। और आपको बताएं, बसपा और सपा दोनों ने ही कल के भारत बंद को समर्थन किया है, और आज जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं, ये मामला बढ़ता हुआ। तो अखिलेश यादव फिलहाल हिरासत में, यहां से हटाकर उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। और बड़ा हंगामा लखनऊ में, जहां आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को हिरासत में लेकर के विक्रमादित्य मार्ग से हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, ये राजनीति है, ये हंगामा है। जहां किसान बिल को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पे हंगामा था, वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक सरसों की राजनीति।
राजनीति। बड़ी खबर, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया लखनऊ से, और लगातार आगे भी जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे।